हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बना रहे हैं छोले भटूरे। मैं आपके साथ में दोनों ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ, छोले और भटूरे की। तो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया है, आप ज़रूर देखिएगा और पूरी वीडियो तक बने रहिएगा इस तरह के फूले फूले भटूरे खाने के लिए। तो ये छोले भी बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बने हैं और बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो गए थे, क्योंकि आज के टाइम में ना हम सोचते हैं कि जल्दी से कुछ अच्छा सा बन जाए। तो मैं ये आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत ही कम समय में बन जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे वाइट वाले छोले लिए हैं और उसके बाद मैंने इसको दो कटोरे छोले लिए हैं, ठीक है। तो इसे मैंने ओवरनाइट नहीं भिगाया है। मैंने क्या किया, इसको अच्छे से धो लेंगे, ठीक है। फिर मैंने इसको उबलने रख दिया है, बस पानी को उबालना है, ठीक है। छोले नहीं उबालने हैं, सिर्फ पानी को उबालना है। और उबालने के बाद थोड़ा सा इसको करछी से ऊपर नीचे से घुमा दें। अब गैस को कर दें बंद और इसको रख दें ढक के, ठीक है। आपके छोले 3 घंटे में अच्छे से फूल जाएंगे, ठीक। देखिए कितने अच्छे से फूल गए ना। अब मैं इसे रख दूँगी कुकर में उबलने के लिए, ठीक है। तो यहाँ मैंने 4 कप पानी ऐड कर दिया है और उसके बाद यहाँ खड़े मसाले ऐड करने हैं। तो 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली इलायची, 2 लौंग और नमक, बस। अब ढक्कन लगा के रख देंगे गैस पर और 5 सीटी आने का वेट करते हैं। तब तक सीटी आएंगी तो इधर हम करते हैं भटूरे की तैयारी। तो यहाँ मैंने 1 कप सूजी ले ली है और इसको भिगा के रख दिया है 5 मिनट के लिए, ठीक है। इस तरह से चम्मच से घुमा दें, ठीक है, अच्छे से ये फूल जाएगी। अब क्या करना है, यहाँ पे मैं 1.5 कप मैदा ले रही हूँ और उसके बाद इससे एक डो बनाना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा होल किया और यहाँ मैंने 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। और उसके बाद देखिए सूजी भी हो गई फूल कर तैयार। अब इससे क्या है ना, पानी निकाल देंगे और हाथ से ऐसे निचोड़ के मैदे में ऐड कर देंगे। और अगर ऐसे नहीं तो आप छलनी में भी छान सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसको क्या है, गूँथेंगे, ठीक है, सूजी और मैदे को। तो अच्छे से एक डो तैयार करना है, बहुत ही सॉफ्ट सा, और थोड़ा सा मेहनत इस पर लगेगा, आप करिएगा। अब यहाँ मैं पानी का ऐड नहीं करूँगी, इसमें दही और सूजी के साथ ही इस मैदे को हमें गूँथना है, ठीक है। तो आराम से थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएं ताकि हमें समझ में आए कि हमारा डो कितना पतला रहेगा और कितना हार्ड रहेगा। तो इस तरह से खींच खींच कर इसको बनाना है, ठीक है। और एकदम जैसे आटे हम पूड़ी या रोटी का आटा बनाते हैं, ऐसे इसको नहीं गूँथना है, इसको खींच खींच के गूँथना है। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसको फिर से इस तरह से खींचेंगे और ये हमारा, तभी हमारा जो भटूरा है ना बहुत फूला फूला बनेगा। अब यहाँ एक बाउल में मैंने ऑयल हल्का सा लगा दिया है और उसके बाद ये डो बनाया, इसको इसमें इस तरह से रख देंगे। और उसके बाद क्या करना है, इसको अलग साइड में रख देना है और हम करेंगे अब छोले की तैयारी। तो इससे टाइम मिल जाएगा फूलने का। तो यहाँ देखिए छोले हमारे अच्छे से उबल गए हैं, ये देखिए अच्छे से मैश हो जा रहे हैं। अब यहाँ मैंने गैस पे एक पैन चढ़ाया और 1.5 कप पानी दिया और ये मैंने सूखा आम है, ड्राई मैंगो, इसको एक डाल दिया इसमें। और 2 चम्मच यहाँ पर मैं डालूँगी चाय पत्ती, ठीक है। ये पानी हमें छोले में डालना है, इसको हल्की गैस पर उबलने देना है चाय पत्ती और ड्राई मैंगो को। और इधर मैं चॉपिंग कर रही हूँ प्याज की, तो 2 मीडियम साइज की प्याज लिए हैं और 2 टमाटर लिए हैं मैंने, ठीक है, ये हो गए चॉप। और यहाँ मैंने देखिए इस तरह से मैं मिर्ची रखती हूँ, आप भी ऐसे ही रखेंगे तो काफ़ी समय तक आपकी मिर्चियाँ चलती हैं, बहुत फ्रेश रहती हैं। तो यहाँ मैंने 4 मिर्ची ले ली हैं, ये भी ऐसी लंबी लंबी स्लाइसिस में चॉप कर ली हैं। और यहाँ मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी तैयार कर लिया था। अब उसके बाद ये हो गया है उबल कर तैयार अच्छे से। तो अब हम इसे साइड में कर देंगे और कढ़ाई को रख देंगे गैस पर और 4 बड़ी चम्मच हम यहाँ ऑयल देंगे। और ऑयल में हम देंगे 2 पिंच जीरा, थोड़ी सी 4 से 5 काली मिर्ची। अब उसके बाद कर देंगे ऐड हम प्याज और तेज़पत्ता मैंने दिया है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जिंजर गार्लिक का 2 बड़ी चम्मच
पेस्ट ऐड करी, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद यहाँ मिर्ची ऐड कर दी और मैंने यहाँ टमाटर ऐड कर दिया। अब टमाटर जल्दी से पकाने के लिए मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, ठीक है, अच्छे से पक जाता है इससे। तो अभी देखिए तो सॉफ्ट हो गया, अब इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। मैश करने के बाद इसमें हमें क्या करना है, हल्दी, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे चिकन मसाला दिया है, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर, ये मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दिया 1/2 चम्मच। अब यहाँ पे मैंने चाय पत्ती और जो सूखा आम का पानी बनाया था वो ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे यहाँ पर, ताकि हमारा जो है ऑयल वो छोड़ दे। ये मैंने जो आम डाला था चाय पत्ती वो ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मसाला अच्छे से पक गया था, तो उसके बाद हम यहाँ छोले ऐड कर देंगे। और कुछ छोले मैंने बचा लिए हैं, तो यहाँ मैंने चिली पाउडर ऐड कर दिया है। चिली पाउडर आप इस तरह से ऐड कर दें। अब ये जो छोले बचाए थे मैंने, यहाँ पर मैं इसे ऐसे हाथ से छन्ने में मैश कर दूँगी। इससे क्या होगा, आपकी जो ग्रेवी है छोले की बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाढ़ी बन जाएगी, बहुत बिखरे बिखरे छोले नहीं रहेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते लागे लिपटे। ओके, अब इस तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी जाएगा, गर्म करके पानी ऐड करें और 10 मिनट तक इसको पकने देंगे, ठीक है। पकने के बाद इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेना है, ठीक है। ये देखिए पककर तैयार हो गए और यहाँ पर कितने यमी एंड टेस्टी लग रहे हैं ना। अब हम देंगे एक और तड़का इसमें, तो यहाँ बटर और मैं कसौरी मेथी का तड़का लगाऊंगी। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच कसौरी मेथी ले ली है, इसको हाथ से क्रश करके इस तरह से डाल देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, टेस्टी लग रहा है ना, आ गया ना मुँह में पानी। तो ज़रूर से मेरी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं छोले, और भटूरे के साथ तो ज़रूर खाइएगा। भटूरे की भी मैं बता रही हूँ ना, ऐसे ही बनाइएगा, बहुत अच्छे बनेंगे। तो चलिए फिर अब हम करते हैं भटूरे की तैयारी। तो आटा हमारा अच्छे से फूल कर हो गया है तैयार, अब उसके बाद हमें छानने हैं भटूरे। तो यहाँ मैं भटूरे के लिए खूब सारा ऑयल में कढ़ाई में ऐड करूँगी, ये रिफाइंड ऑयल है, ठीक है। और उसके बाद हमें अब इस तरह से एक छोटी सी लोई ले लेनी है और इस तरह से बैलेंस से इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे। और उसके बाद हम हाथ से थोड़ा सा बढ़ाएंगे इसको, टैप 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 करते हुए। और ये देखिए अब हम छोड़ देंगे इसको कढ़ाई में, अब ये बनेगा फूला फूला भटूरा। खाने में इतना अच्छा कि आपको इसमें ऑयल पता ही नहीं चलेगा। होता है ना कि भटूरे हम कभी बाहर का खाते हैं तो हाथों में और मुँह गले में इतना ऑयल लगता है, आप इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल ऑयल आपको लगेगा ही नहीं, इतना अच्छा लगेगा ना, बहुत टेस्टी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, फिर मिलती हूँ, बाय बाय। और मेरी इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक करिए, बाय बाय, टाटा।